हतीब साहिबा महाराष्ट्र से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। हमारी कॉलर हकीम साहब से बात करना चाहती हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जी हतीब जी, बताएं कैसी हैं आप, क्या परेशानी है आपको? जी बताएं कैसी हैं आप, क्या परेशानी है, हकीम साहब से बात कर सकती हैं आप? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए क्या सवाल है आपका। जी ये हाथ पैरों में तकलीफ होती, जोड़ों में वापसी नहीं, क्या बात है गैस जोड़ों में? की? हाँ आवाज की तकलीफ होती, जी उससे कोई जरूरी नुस्खा? क्या उम्र है? और ये आवाज की तकलीफ होती है हाथ पैरों में। जी हाँ उम्र बता दें आप अपनी। 49। 49। 49, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए आप। अच्छा देखिए, एक बहुत अच्छा घरेलू नुस्खा है और बेशतर लोग उससे ठीक हो जाते हैं। और वो नुस्खा है इस तरह के, मेथी, मेथी का दाना जो आपके किचन में होता है, मेथी, अलसी, मेथी, अलसी, सौंठ 100-100 ग्राम लीजिए, और 100 ग्राम लीजिए गौंद सियाह, यानी काला गौंद। काला गौंद देख लें कि कड़वा होता है जायके में बहुत ज़्यादा, और इतना बड़ा बड़ा होता है। बाकी गौंद तो छोटे छोटे आपने देखे हुए मिलते हैं, लेकिन ये गौंद काफ़ी बड़ा बड़ा होता है और जायके में इंतहाई कड़वा होता है। दूसरे गौंद सब जायके में फीके होते हैं, लेकिन ये कड़वा होता है, तो इसे देख के लेना, क्योंकि काफ़ी महंगा भी आता है और नकली बहुत मिलता है और मुश्किल से मिलता है। नकली तो कितना ही ले लीजिए, लेकिन असली बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये सब 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बनाएं, और 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम, पानी के साथ, दूध के साथ, जूस के साथ 2 महीने तक लें तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।